गाइज वेलकम टू जुनैद खान टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने GTA San Andreas गेम में वेपन इन टू हैंड मोड को एक्टिव कर सकते हैं। बस आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी होगी अपने GTA San Andreas गेम में वेपन इन टू हैंड मोड को एक्टिव करने के लिए, ठीक है ना। चाहे आपका एंड्रॉइड वर्जन कोई भी हो, बस आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी होगी। और वेपन इन टू हैंड मोड को एक्टिव करने के लिए आपको अपने मोबाइल में दो चीजें डाउनलोड करनी होगी। पहले आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक जिप फाइल का लिंक होगा, उस जिप फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करनी होगी आपको अपने मोबाइल में, जिसका नाम है जेट अचीवर। इस एप्लीकेशन को भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ये दो चीजें आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाता हूं और बताता हूं कि ये वाला मोड आप कैसे एक्टिव कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो जेट अचीवर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है, क्योंकि जो आपने जिप फाइल डाउनलोड करी है वो आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाएगी। डाउनलोड वाले फोल्डर में जाने के बाद देख सकते हैं ये जिप फाइल जुनैद खान टेक्निकल के नाम से है, ठीक है ना। आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। जिप फाइल के ऊपर एक बार क्लिक करना है आपको, फिर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर वाले पे। फिर यहाँ पे इस जिप फाइल का आपको पासवर्ड डालना होगा। इस जिप फाइल का पासवर्ड क्या है वो आपको वीडियो के अंदर पर चल जाएगा, आपको वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है ना। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे ना, इसके अंदर से एक और फोल्डर निकल के आ जाएगा। देख सकते हैं ये रहा फोल्डर, डाटा नाम का फोल्डर है। इसके ऊपर आपको क्लिक करके रखना है इस फोल्डर के ऊपर। फिर आपको कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको बैक जाना है, फिर एंड्रॉइड वाले फोल्डर में जाना है, फिर डाटा वाले फोल्डर में जाना है आपको। फिर यहाँ पर GTA San Andreas गेम का डाटा वाला फोल्डर होगा, देख सकते हैं ये रहा। इसके अंदर जाना है आपको, फिर फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर जाना है आपको। फिर यहीं पे आपको ये वाला फोल्डर पेस्ट कर देना, ठीक है ना। पेस्ट करने के बाद मैं आपको गेम ओपन करके दिखाता हूँ कि हमारा मोड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है या नहीं, ठीक है ना। देख सकते हैं ये यहाँ पे, अब मैं गोलियाँ भी देख सकते हैं, जो वेपन मैं चेंज कर रहा हूँ ये दोनों हाथ में आ रहा है मेरे, ठीक है ना। तो ये मोड वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। ये वाली गन भी दोनों हाथ में आ रही है, ये गन टू आती नहीं है, ठीक है ना, दोनों हाथ में नहीं आती गन। देख सकते हैं ये भी गन नहीं आती दोनों हाथ में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों हाथों में गन आ रही है, ठीक है ना। ये भी देख सकते हैं दोनों हाथ में आ रही है ये गन, ठीक है ना। तो ये वर्क कर रहा है मोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सिंगल गन आएगी क्योंकि ये निशाने लगाने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं मशीन गन भी दोनों हाथ में आ रही है, मतलब कि ये मोड वर्क कर रहा है वेपन इन टू हैंड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।